बिना झंझट के, बिना मार्गरिन के और ढेर सारे बटर के बिना ही बना लीजिए आज तक का सबसे आसान आलू पेटीज बहुत कम समय में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फूड एंड केयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक डो बनाऊंगी, तो इसलिए मैदा ले रही हूँ, 1.5 कप मैदा ले रही हूँ और इसमें 1.5 मीडियम चम्मच तेल ले रही हूँ, ये नॉर्मल रिफाइन ऑयल है। साथ में 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं और 1/4 चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। 1/2 चम्मच में इसमें शक्कर के पाउडर डाल रही हूँ। अब सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं और बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे हम। तो ये देखिए, डो रेडी हो चुका है। अब क्योंकि ये मैदे से बनी डो है तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से हम स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग करने से ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैंने 5 से 6 मिनट तक इसे बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग की है, तो इसलिए ये कितना सॉफ्ट बन चुका है आप देख सकते हो। मैदे में स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। तो अब इसे हम ढक के करीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट होने देंगे। तो 1 घंटा हो चुका है। अब देखिए, हम इसमें थोड़ा सा बटर ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो बटर को ये देखिए, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। करीबन 5 मिनट तक इसे ऐसे मिक्स करना होगा। बटर ज़्यादा हार्ड है तो उसे थोड़ी देर के लिए बॉल समेत गर्म पानी में डुबो दीजिए, तो ये नरम हो जाएगा। तो देखिए, अब इसे ऐसे हम 5 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें से छोटे छोटे लोई निकाल लेंगे। अब देखिए, हमें रोटी जैसा बेलना होगा इसे, जितना पतला हो सके हम बेल लेंगे, क्योंकि मैदा है तो वैसे स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये देखिए, हम सारे ऐसे रखते जाएंगे, लेकिन नीचे ज़रूर मैदा छिड़काव कर देना, वरना ये चिपक जाएगा। अब देखिए, एक रोटी ले लेंगे और इसके ऊपर ऐसे बटर ग्रीस कर देंगे। अब ये दूसरा रोटी लेंगे और फिर बटर ग्रीस कर देंगे। और ऐसे हम सारे रोटी एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और बीच में ऐसे बटर ग्रीस कर देंगे। वैसे तो प्रोफेशनल तरीका बहुत अलग होता है, उसमें बटर की जगह पर मार्गारिन यूज़ होता है, मतलब पेटीज घी यूज़ होता है, और लेयरिंग भी ऐसे नहीं बनाया जाता, वो बहुत ही अलग प्रोसेस होता है। लेकिन ऐसे आप आसानी से और बिल्कुल कम समय में बिना झंझट के घर पर पेटीज बना पाओगे। तो इसलिए सबसे आसान तरीका मैं आज आपको दिखा रही हूँ। प्रोफेशनल तरीका बहुत अलग है, लेकिन मैं इसका एक इजी उपाय दिखा रही हूँ आपको। तो अब देखिए, लास्ट में हमें बटर नहीं ग्रीस करना, लास्ट में मैदा छिड़काव कर देंगे। अब इसे फ्रीज में रेस्ट करने दूंगी, ताकि इसका जो बटर है वो थोड़ा हार्ड हो जाए। तो जल्दी से इसका अंदर का वो फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में बटर ले लिया है और ये 1 मीडियम साइज का प्याज और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट ली है। इसे आप बटर में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें ये क्रश किए हुए अदरक डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा हल्दी के पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, थोड़ी देर ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दी है। अब इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दी है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, ताकि मसाले जल ना जाए और भून भी जाए। मसाले भून गए। अब इसमें 2 चम्मच हम केचप मिला देंगे और इसे 1 मिनट सॉटे करेंगे। अब देखिए, इसमें मैं आलू डाल रही हूँ, ये बॉयल्ड आलू है। तो 2 बड़ा साइज का आलू लिया है मैंने और इसे मैश करके डाल दूंगी। तो अब बहुत अच्छे से इस आलू को इस मसाले के साथ अच्छे से मिला देंगे। 2 मिनट तक ऐसे सोटे करेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। आप इसमें धनिया के पत्ते भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर ये बटर भी हमारा हार्ड हो चुका है, इसे हम बेल लेंगे। जितना फैला सकते हो उतना फैला के इसे हमें बेलना होगा।
बटर हार्ड हो जाने के कारण ये बेलने में आसानी रहेगी। तो अब देखिए पिज्जा कटर से ऐसे दो कट लगा देंगे बीच में। और अब देखिए हमें अपना पेटीज का डिज़ाइन देना है, बहुत आसान है, देख लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए सारे पेटीज मैंने बना लिया है, इसे ज़्यादा दबा के नहीं बनाना है, इसका जो परत है वो बाद में खुलेगा नहीं बनना। तो अब इन्हें क्रस्टी प्लेट पर निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये मैं थोड़ा सा परत इसका खोल के दे रही हूँ ताकि ये बेक होते टाइम आसानी से खुल जाए। अब इनके ऊपर बटर ग्रीस कर देंगे थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा ये दूध लिया है मैंने, दूध भी ग्रीस कर देंगे ताकि एक सुंदर कलर आ पाए। अब देखिए ओवन को मैंने प्री हीट कर लिए हैं, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक प्री हीट किए हैं ओवन को। लोअर रेक पे सारे पेटीज हम फर्स्ट टाइम 15 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करेंगे और सेकेंड टाइम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो ये कितना फूल गया है आप देख सकते हो, और 10 मिनट के लिए मैंने इसे लगा दिया है। ड्रीम फूड एंड केयर चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरे हर नए वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए यहाँ पर 35 मिनट हो गया है, पेटीज को निकाल लिया हमने, बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। अब इसके ऊपर अच्छे से बटर ग्रीस कर देंगे। कितना सुंदर बना है आप देख सकते हो, और कितनी आसानी से बन चुका है ये वो भी आप देख सकते हो। तो ऐसे आप बिल्कुल इजीली और कम समय में ये पेटीज बना सकते हो घर पे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मुझे कमेंट पे बताना वीडियो कैसी लगी। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।